हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरोखरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। तो जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं, काइंडली सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे जो आप रेड बटन देख रहे हैं उसको प्रेस करके आप ब्लैक कर दें और साथ ही बेल आइकॉन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास टाइम के साथ पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आज कल की बारिश हुई हुई है और बाहर जो है कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है, तो बाहर निकलने का मूड तो नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स आपके लिए व्लॉग आज मैंने सोचा जरूर बनाऊंगा। तो आज फ्रेंड्स आपके लिए मैं व्लॉग बनाने के लिए निकला हूं। तो आज मैं फ्रेंड्स आपको शहतूत के पेड़ दिखाऊंगा, वहां से हम शहतूत उतारेंगे जिन्हें हम पंजाबी में गोले बोलते हैं, और रेड कलर की और ब्लैक कलर की दोनों कलर की उतारेंगे। आज के व्लॉग के अंदर आपको बहुत मज़ा आने वाला है और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा, क्योंकि रमज़ान आने वाला है, शुरू होने वाला है रमज़ान, तो उन जो शहतूत की गोलियां होती हैं उनको किस तरह से फ्रीज किया जाता है, किस तरह से महफूज कर दिया जाता है, और सारा मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा। तो अब फ्रेंड्स आज के व्लॉग का शुरू करते हैं, तो चलते हैं वहाँ पे और उतारते हैं जाके वहाँ पे गोले, शहतूत की गोले, और दिखाता हूँ मैं आपको वो सारी गोले। तो फ्रेंड्स अभी आप देख सकते हैं मैं शहतूत के पेड़ के पास खड़ा हूँ और ये शहतूत मैंने उतारा हुआ, और ये देख सकते हैं आप ये जो शहतूत है इसकी आप ये फ्रेंड्स देख सकते हैं इसके साथ लगी हुई, ये आप फ्रेंड चेक करें। और ये जो रेड कलर की आप देख रहे हैं ये अभी कच्ची हैं और ये पक गई हुई हैं, ये देखें जो मैं उतार रहा हूँ ये वाली ब्लैक कलर की, ये आप फ्रेंड चेक करें, बहुत ही मीठी और खट्टी होती हैं ये। और ये जो है पेड़ के ऊपर चढ़कर फिर उतारनी पड़ती हैं, ये पहले मैं नीचे वाली आपको दिखा रहा हूँ, अभी इसके ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़कर ये वाली उतारी जाएंगी, ये आप फ्रेंड चेक करें, बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं और बहुत ही ज़्यादा ये खाने में बहुत ही मीठी होती हैं ये। तो अभी फ्रेंड्स मैं इसके ऊपर चढ़कर फिर आपको दिखाता हूँ जो दूसरी ऊपर वाली गोले सारी उतार के मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो अब मैं ऊपर चढ़ के गोले उतारता हूँ और दिखाता हूँ आपको, बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही मज़ेदार व्लॉग बनने वाला है, तो एंड तक वीडियो देखिएगा। तो अब शुरू करता हूँ मैं गोले उतारना। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये कुछ उतारी हैं, अभी आप फ्रेंड्स ये इसके अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ ब्लैक कलर की हैं, और ये आप फ्रेंड चेक करें, बहुत ही ज़्यादा मीठी और बहुत ही ज़्यादा खट्टी, ये खट्टी मीठी दोनों ही हैं इसके अंदर मिक्स है। अभी ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये सारी आप जितनी भी हैं, और हाथ मेरे आप देख सकते हैं कितना इनके अंदर जूस है, बहुत ज़्यादा इनके अंदर जूस होता है फ्रेंड्स। तो अभी फ्रेंड्स हम और उतार रहे हैं, अभी आप ये सारा चेक कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठी, और ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा जो है ये इसका फ़ायदा होता है खाने के लिए। और वैसे भी फ्रेंड्स इसको आप फ्रीज करके फ्रिज के अंदर अगर रख लें, इसका जूस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनता है। तो अभी आप ये फ्रेंड्स सारी गोले देख सकते हैं, शहतूत जो हमने उतारा है ये फ्रेंड्स आप चेक करें, बहुत ही उमदा, बहुत ही खूबसूरत। ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, तो अभी फ्रेंड्स मैं उतार रहा हूँ, तो अभी आप जैसा कि फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये ब्लैक कलर की, और ये फ्रेंड्स देखें ये यहाँ से ऐसे उतार रहे हैं, जो रेड कलर की हैं वो खट्टी होती हैं और जो ब्लैक कलर की हैं वो मीठी होती हैं। तो मैं आपको पूरा इंशाल्लाह बहुत मज़ा आने वाला है, एंड के ऊपर मैं आपको व्लॉग के अंदर सारा कुछ दिखाऊंगा जो हमने गोले उतारी हैं, जिसे हम शहतूत बोलते हैं उर्दू में और पंजाबी में हम गोले बोलते हैं। ये गले के लिए बहुत अच्छी होती हैं और वैसे भी इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, ये बाहर स्टोरों से नहीं मिलती, ये जो हकीम लोग होते हैं जिनके पास कुछ कुदरती अज्जा, जिन लोगों के कुदरती अज्जा कुछ जमा करते हैं, ये उन लोगों के पास होती हैं, और वो ये लोग इस मौसम के अंदर ये शहतूत से गोले ये वाली जो है उतार लेते हैं, और उनमें से रस निकाल कर उनको खुश करके और उनको महफूज कर लेते हैं ताकि आइंदा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन फ्रेंड्स हम लोग इस तरह नहीं करते, हम इसे इसी तरह जूस के साथ ही इसे फ्रीज कर लेते हैं, और जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हम लोग इसका पेस्ट निकालते हैं और पेस्ट को पानी में डालकर और फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही मज़ेदार का होता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं उतारता हूँ, अभी मेरे साथ ये फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये फ्रेंड्स ऊंचाई वाली जगह पर लगती हैं,
अभी आप फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, जैसे कि ये फ्रेंड्स आप चेक करें कि जूस इसके अंदर इस कदर बड़ा होता है। ये फ्रेंड देखें आप, ये जूस इसके अंदर, ये फ्रेंड देखें, ये जूस इतना जूस फ्रेंड इनके अंदर होता है। तो अभी फ्रेंड्स मैं कुछ उतार के आपको दिखाता हूँ। ये फ्रेंड जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कुछ, ये फ्रेंड्स आप चेक करें ये, और वैसे भी फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स आप चेक करें, ये मैंने उतारी हुई हैं। तो फ्रेंड्स ये आप चेक करें, ये मैंने उतारी हुई हैं जो रेड कलर की हैं, ये खट्टी हैं, और ये जो ब्लैक कलर की हैं, ये जो हैं ये मीठी होती हैं बहुत ही ज़्यादा। अभी आप फ्रेंड चेक कर सकते हैं, बहुत ही उमदा, और मेरे हाथ भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज के व्लॉग का आपको मज़ा आया होगा, आपने इंजॉय किया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू, बाय, फी अमानिल्लाह।